हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो में हम एक खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करेंगे। सो इस प्लांट को हम मीडो स्पाइक मॉस भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सिलिचिनेला अपोडा। ये एक पेरिनियल प्लांट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सिलिचिनेला इज़ अ टेरिडोफाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि टेरिडोफाइट क्या है, देन मैं आपको बता देती हूँ। टेरिडोफाइट एक प्लांट का डिवीजन है। जैसे एनिमल किंगडम होता है, वैसे ही प्लांट किंगडम भी होता है, जिसके अंदर पर ये जो टेरिडोफाइट है वो इंक्लूड रहता है। सो ऐसा माना जाता है कि जो टेरिडोफाइट है वो फर्स्ट प्लांट है जो लैंड में इवॉल्व हुए। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम। टेरिडोफाइट से जो पहले प्लांट धरती पर उपलब्ध थे उनमें ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जब टेरिडोफाइट आए तो इनमें ट्रू रूट और ट्रू स्टेम्स पाए गए। सो ये जो सिलिचिनेला है ये एक टेरिडोफाइट के अंडर में ही आने वाला प्लांट है। सो इनके सनलाइट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन प्लांट को फुल शेड में रखें। ज़्यादा धूप में इनको बिल्कुल भी ना रखिए, स्पेशली जो दिन की धूप आती है 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा कड़कती हुई धूप होती है, उसमें इनको अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना रखें। नहीं तो येलो ऑफ लीव्स या फिर क्लोरोसिस जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। सो सॉइल में आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल करना है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनको जो पत्तों की खाद होती है जिसे हम लीफ मोल्ड कहते हैं, उसमें इनको ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि उनमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड उनमें मॉइस्चर लॉकिंग कैपेसिटी भी हाई रहती है, इसीलिए आप लीफ मोल्ड को इस्तेमाल करें। सो ये फर्स्ट टाइप है जो जब मेरे पास सिलिचिनेला प्लांट आया है। आई होप कि मैं इसे अच्छे से ग्रो कर पाऊँ और प्रोपेगेशन करके बहुत सारा बना पाऊँ। सो इनकी प्रोपगेशन रूट डिवीजन के थ्रू होती है। लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड गाइस, इसका जो शेप है एकदम गोल मटोल सा है। सो आप इसका शेप देख के समझ गए होंगे कि यू कैन प्रून दिस प्लांट। आप इसकी पत्तों की कटिंग ढेर सारा कर सकते हैं, जैसा आपको शेप चाहिए आप उसी तरह का कर सकते हैं। सो प्रूनिंग दिस सिलिचिनेला प्लांट कैन स्टिम्युलेट न्यू ग्रोथ एंड हेल्प दिस प्लांट टू बिकम मोर बुशियर। प्लांट जितना बुशी रहेगा, जितना गोल मटोल रहेगा, उतना ही क्यूट लगेगा, इसलिए प्रूनिंग कभी कभी करते रहे। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं एंड जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। दोनों किस्म का जो फर्टिलाइज़र है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। सो अभी मैं इनकी पॉटिंग भी करूँगी। अगर गाइस मैंने इनको प्रोपेगेट किया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। सॉरी फॉर माय वॉइस गाइस, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से जो मेरा आवाज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। माय वीडियोज़ आर नॉट रिलेटेड टू वॉइस, इट्स ऑल अबाउट प्लांट। सो गाइज प्लीज़ आप प्लांट पर फोकस करें, मेरे आवाज़ में नहीं। कभी कभी प्लांट की क्लीनिंग भी कर लेनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी जो डैमेज स्टेम होते हैं या फिर येलो लीव्स या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट को देखें तो उनको जड़ से निकाल कर फेंक दें, ताकि फर्दर इन्फेक्शन का खतरा ना रहे और आपका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड हैप्पी रहे। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी इस प्लांट को ख़रीदें, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक टेरिडोफाइट है। सो गाइस, आप इसको टेरेरियम में भी ग्रो कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि टेरेरियम एक जो बॉटल होता है, एक जार उसकी फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हम एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। सो गाइस, वो भी एक मिनिएचर गार्डन की तरह है, और वो टेरेरियम वाला इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल पर टेरेरियम रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर दूँ, और मैंने अगर टेरेरियम बनाया तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। सो सिलिजिनला एक बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, ये जो भी इन्वायरमेंट में हिट होता है उसे डिक्रीज कर देता है। सो दिस प्लांट इज नेटिव टू मैक्सिको, और जंगलों में जो डैम्प सॉइल होते हैं, जो वुड सड़ जाते हैं, वहीं पर ये ग्रो कर जाते हैं। गाइज, ये प्लांट देखिए, ये मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा सिलिजिनेला मतलब कि टाइप का लगा, लेकिन दोनों एकदम अलग है। इसे मैंने मॉस बॉल में ग्रो किया था और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है, लेकिन इसका जो स्टेम और लीव्स है थोड़ा थोड़ा सिलिजिनेला टाइप का है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को भी दिखा दूँ। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का धन्यवाद गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरे कंटेंट को पसंद किया आप लोगों ने। अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वो जो घंटी है उसे प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।